हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज का वीडियो है स्विमिंग के ऊपर, तैराकी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो स्विमिंग खेल जो है वो कैसा होता है, वो एज अ टीम भी खेला जाता है और इंडिविजुअल भी खेला जाता है, राइट। तो ज़्यादातर इंडिविजुअली जो खेला जाता है वो ज़्यादा फेमस होता है। अच्छा, टीम में कैसे खेला जाता है, देखिए आपने देखा होगा कि आपका आपकी टीम का एक खिलाड़ी है वो पूल के किनारे खड़ा होगा, और आपको जो आप जैसे ही जो पूल की जो एक साइड की जो बाउंड्री वो टच करते हैं तो दूसरा खिलाड़ी जो है वो कूद जाता है, फिर वो स्विमिंग करने लगता है। तो इस टाइप से एक रिले टाइप से भी होता है और भी टाइप से जो पूल के जो गेम होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअली जो एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले जो गेम होते हैं, जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है, जो ओलंपिक में जिस टाइप से गेम होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जो ओलंपिक में जो होता है, ओलंपिक स्पोर्ट्स के रूप में जो स्विमिंग होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत टाइप के इवेंट होते हैं या बहुत टाइप की स्टाइल होती हैं, जिसमें एक होता है बटरफ्लाई, जिसके बारे में आपने सभी ने बहुत सारे लोगों ने मतलब सुना तो एटलीस्ट होगा कि बटरफ्लाई एक स्विमिंग में एक स्टाइल होता है, राइट। जिसको मैं आगे आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। एक होता है क्या, बैक स्ट्रोक होता है, एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, और फ्री स्टाइल, और भी इस टाइप से चीज़ें जो है और भी होती हैं। लेकिन ये जो चार जो हैं, ये जो मैंने आपको अभी जो बताई हैं चार, ये सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं, और इन्हीं के अंदर ज़्यादातर जो है ओलंपिक में जो इवेंट्स जो है वो होती हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि गेम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो इस खेल की शुरुआत हुई इंग्लैंड से। तो 1830 में सब पहली बार इसको एज अ कॉम्पिटिटिव, मतलब कहना चाहिए कॉम्पिटिशन के तौर पे इसको उतारा गया था इंग्लैंड में 1830 में। और 1828 में जो इंडोर स्विमिंग पूल है वो सेंट जॉर्ज बाथ्स में जो है वो पब्लिक के लिए खोला गया था। फिर उसके बाद जो है लोगों में स्विमिंग की जो है करने की जो इंस्पिरेशन जो है वो जागी, और फिर उसके बाद जो है स्विमिंग एज अ मतलब कॉम्पिटिशन और भी बढ़ा और भी फला फूला, राइट। और 1837 के बाद इसको एक नेशनल स्विमिंग सोसाइटी ने और बढ़ाने की कोशिश की 1837 के बाद। और फिर आज जो देखिए कि ओलंपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रतिस्पर्धा होती है स्विमिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पूल किस टाइप का होता। तो ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं इस टाइप से पूल होता, कॉम्पिटिटिव पूल। तो इसकी मेनली लंबाई चौड़ाई ही इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं होता है। तो इसकी लंबाई कितनी, 50 मीटर की होती है, और जो चौड़ाई है वो 25 मीटर की होती है, राइट। 50 मीटर और 25 मीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, राइट। और इनमें लेन होती है, राइट। लेन होती है, जैसे लेन 0 1 है ना, 2 3, तो लेन होती है, और हर लेन में अपना एक खिलाड़ी होता है, वो अपनी लेन से भटक नहीं सकता। जो अपनी जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है पानी में, तो वो डिवाइड होता है, लाइनें बनी होती हैं, फ्लोटिंग लाइंस जो होती हैं वो बनी होती हैं, और उन में जो है इस तरफ वो जो है खिलाड़ी वो नहीं आ सकता, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर खिलाड़ी अपने ही पाथ में सिर्फ केवल जो है वो स्विमिंग कर सकता है, ठीक। तो ये कॉम्पिटिटिव पूल इस तरह से होता है। मैं फिर से बता दूँ इसमें क्या होता है, 50 मीटर बाई 25 में, मतलब 50 बाई 25 मीटर का इसका जो है वो डायमेंशन होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी सॉरी। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्विमिंग स्टाइल पे आधारित होती है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बैक स्ट्रोक होता हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से ही आने की संभावना 90% है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही कम आती है, क्योंकि स्विमिंग में बहुत ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार से करतब करने को कुछ नहीं होता। जैसे कि क्रिकेट में आप कई प्रकार के शॉट मार सकते हैं, कई प्रकार के शॉट मतलब लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही लिमिटेड रूप से आपको करना। तो मेनली इसमें टाइमिंग होती है कि आप कितने कम टाइम में स्विमिंग कर सकते हैं, कितने पहले पहुँच सकते हैं, बस एक रेस के जैसे होता, राइट। तो हम देखेंगे और भी हैं जो टर्म्स हैं, जैसे कि डाइव है, गॉगल्स है, फिन्स है, डीएनसी। डीएनसी का तो मतलब मैं यही बता देता हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म है। डीएनसी का मतलब होता है डिड नॉट कंप्लीट, और डीएनएफ का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश, राइट। अच्छा, शॉर्ट कोर्स क्या होता है, लॉन्ग कोर्स क्या होता है। एक जो लंबा पूल जो होता है उसको लॉन्ग कोर्स बोला जाता है, और जो शॉर्ट कोर्स होता है वो छोटा होता है, राइट। फिर से बता देता हूँ, थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है बार बार। तो
जो शॉर्ट कोर्स होता है वो छोटा वाला पूल होता है, जो मतलब बच्चों के लिए या महिलाओं के कंपटीशन के लिए उपयोग किया जाता होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल पक्का नहीं पता। और एक लॉन्ग कोर्स होता है जो एडल्ट के लिए, जो मतलब स्विमिंग के लिए उपयोग किया जाता होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब टेपर होता है और पुल बॉय होता है, तो ये हम और अच्छे से जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, राइट। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक क्या होता है कि ऐसे जब पानी के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो बाहर आके जब फिर से अंदर जाते हैं तो हाथों को इस तरह से फैला के अंदर जाते हैं, इस तरह से फैला के कि ऐसा लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई मतलब उड़ रही हो, ठीक है। देखना ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, ये देखो, है ना। तो इसीलिए इस स्ट्रोक को क्या बोला जाता है, बटर स्ट्रोक बोला जा सॉरी बटरफ्लाई स्ट्रोक बोला जाता है। और ये जो इस साइड आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से हर एक एक स्ट्रोक जो है वो लगाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है कि सीने के बल जो है पानी को दबाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस साइड भी देख सकते हैं आप, सॉरी इस साइड भी आप देख सकते हैं और आप इस साइड भी देख सकते हैं, ये दोनों है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हाथ को फैला के नहीं किया जाता, इसमें सीने के सहारे तैरा जाता है, सीने से पानी को धक्का मारते हैं नीचे की तरफ, तो पानी और पैर चलते रहते हैं तो वो पीछे की तरफ पानी जो है वो जाता है और बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, सीना होता है, ठीक है। तो सीने के सहारे जो तैरने वाली जो मतलब स्टाइल होती है उसको ब्रेस्ट स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब बैक स्ट्रोक क्या होता है, बैक स्ट्रोक तो सबको पता ही होगा कि अपनी पीठ के बल तैरना, ठीक है। तो पीठ के बल तैरना क्या होता है, बैक स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होता है कि हाथों को उल्टी डायरेक्शन में चलाना होता है, अपने पीछे की तरफ चलाना होता है हाथों को, और जो पैर है उसको भी मतलब हल्के हल्के ऐसे चलाते रहते हैं पैरों को भी, तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो आगे मूव होने लगती है, लेकिन उल्टी मूव होती है, राइट, बैक की तरफ, तो उसको बोला जाता है बैक स्ट्रोक। अब डाइव क्या होता है, ये एक्चुअली ये गलत आ गया है यहाँ पे, जो स्लाइड है वो डाइव नहीं है, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये डाइव नहीं है, ये क्या है, फ्री स्टाइल है, क्या है, फ्री स्टाइल, सॉरी एक्चुअली क्या है, गलत हो गया है गलती से, तो ये फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल क्या होता है कि जो नॉर्मली जो तैरते हैं इस तरीके से, देखिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही तैरते होंगे, जो आपकी स्क्रीन में जो नीचे जो जिप फाइल जो है जो शो हो रही है उसमें देखना, नॉर्मली इसी तरह से तैरते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, फ्री स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। अब डाइव क्या होता है, डाइव तो आप सभी जानते हैं कि जो पूल जैसे ही आ, 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 जो वो होता है ना, स्टार्ट की विसल बजती होगी या वो जो जो भी उसका इशारा होता है, तो जो पहला जंप लेते हैं ना पूल के अंदर कूदते हैं, तो उसको बोला जाता है डाइव, ठीक है। तो जो कूदने डाइव का मतलब क्या होता है, पहली पहला जो हम स्टार्ट लेते हैं ना कूद कर पूल में, कूद कर पूल में जो स्टार्ट लेते हैं उसको बोला जाता है डाइव, ठीक है ना। और डाइव तो वैसे भी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैंने बता दिया, डाइव का मतलब सिंपल होता है पानी में कूदना, है ना, छलांग लगाना। लेकिन यहाँ पे डाइव का मतलब क्या होता है, स्टार्ट लेने के लिए छलांग लगाना, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम। अब गॉगल्स क्या होते हैं, तो ये तो सब जानते होंगे, पानी में आंखों को बचाने के लिए, आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गियर इस्तेमाल किया जाता है, इसको गॉगल्स बोला जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा फिन्स क्या होता है, देखिए ये फिन्स जो होते हैं ये ट्रेनिंग के लिए होते हैं, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, है ना, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होते हैं फिन्स। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, स्विमिंग में किया जाता है, ऐसा वो आपसे पूछा, फिन्स का इस्तेमाल किस में किया जाता है, किस गेम में, तो स्विमिंग में किया जाता है। फिन्स से आप याद रखिए कि मछलियों के फिन्स होते हैं और वो तैरती हैं, तो सीधी सिंपल सी बात, फिन्स का उपयोग कहाँ पर होगा, स्विमिंग में ही होगा। आगे चलते हैं हम। अब टेपर क्या होता है, राइट। अब टेपर क्या होता है कि जैसे ही कंपटीशन आपका पास आता है, राइट, जैसे आपका एक दो दिन पहले कंपटीशन है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको ना उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि बॉडी जो है वो थकने का वो होता, क्या होता है, बॉडी फटीग हो जाती है, वे थक जाती है बॉडी, तो उससे क्या होता है कि जो कॉम्पिटिशन के दिन है ना आपका जो है, आप हो सकता है आप 100% ना दे पाएँ, इसीलिए जो ट्रेनिंग है
वो आपकी ट्रेनिंग को की जो इंटेंसिटी है वो कम कर दी जाती है वो पीरियड के पहले जब आपका कंपटीशन होना, जैसे कि आपका कल कोई मैच है या कल कोई आपका कंपटीशन है ओलंपिक में मान लीजिए, राइट। तो आपका जो है कुछ दिन पहले आपकी जो ट्रेनिंग है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम कर दी जाएगी। मतलब कहने के मतलब ये है कि वो आपको उतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी कुछ दिन, ठीक है। वो इसलिए ताकि आपकी बॉडी फटीग ना हो या आपकी बॉडी थके ना और आप 100% वहाँ पर दे पाएँ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। अब पुल बॉय क्या होता है, ठीक। पुल बॉय या लेग फ्लोट होता है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ट्रेनिंग में बस इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल नहीं होता, ताकि आसानी से जो स्विमिंग है उसको किया जा सके और जो क्या बोलते हैं उसको, आप अपनी जो कला है स्विमिंग की उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके, ना कि तैरने पर, ठीक है। कि आप किस तरह से आप अपनी बॉडी को मतलब वर्कआउट किस तरह से कर पा रहे, तो इसके लिए जो होता है पुल बॉय या लेग फ्लोट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इसके बारे में और जान लेते हैं हम कि ये फिगर 8 शेप में होता है और ये किस चीज़ का बना होता है, फॉर्म का बना होता है, और ये स्विमिंग के वर्कआउट के लिए जो इस्तेमाल इसको बस किया जाता है, ठीक, ट्रेनिंग के लिए, एज अ ट्रेनिंग। अब आगे चलते हैं। सो गाइस, वीडियो यहीं पर एंड होता है और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने मित्रों के को शेयर करें वीडियो को। और आप लोगों को जो PDF है यदि वो चाहिए है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे जुड़ सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।